सो गाइस, आप सभी को पता नहीं होगा लेकिन माइनक्राफ्ट अपना 1.19 द वाइल्ड अपडेट का जो ट्रेलर है वो आज लॉन्च कर लिया। मतलब जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन ये ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। और भाई इसके अंदर जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी भी नई नई चीज़ें आने वाली है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। और भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरे वीडियो को देखने की पक्का जरूरत पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंने जितने भी छोटे बड़े अपडेट्स हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं। तो भाई अभी अपन देखो, सबसे पहले हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को तब सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी अपन बात करें अपने पहले अपडेट की, तो वो है गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट के अंदर एक नया मॉब आने वाला है जिसका नाम है वार्डन। और भाई मतलब अपन ने सोचा था कि वो नॉर्मल ऐसी गेम्स के अंदर स्पॉन हो जाएगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। उसके सिर्फ स्पॉन करने के लिए माइनक्राफ्ट वालों ने एक नया का नया मतलब पूरा स्ट्रक्चर बना डाला जिसका नाम है डीप डार्क सिटीज, जो कि आप अभी पीछे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं कि इधर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी कैंडल्स मिलने वाली है, टॉर्चेस मिलने वाली है, चेस्ट मिलने वाली जिसके अंदर लूट होगी, लैंटर्न्स मिलने वाली। और भाई मतलब देखो इधर, ये जो पूरी की पूरी जगह ये एक सेंसर के सेट से बनी हुई, मतलब आप कहीं पे भी जाओगे कोई ना कोई सेंसर लाइट अप होने लग जाएगा। और भाई मतलब ये जितनी भी चीजें सेंसर रिलेटेड वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो गाइस अगर अपन बात करें स्कल कैटलिस्ट, तो भाई ये भी एक सेंसर है जो कि आपको इधर डीप डार्क वैलीज के अंदर मतलब सिटीज के अंदर देखने को मिलेगा। और भाई मतलब देखो, जैसे आप इसके रेंज के अंदर जाओगे ये लाइट अप हो जाएगा। तो भाई अब देखो इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ मेनली यही होगा कि आप इसके हेल्प से बहुत सारे अलग अलग टाइप के फार्म बना सकते हो। और गाइस जो आगे जितने भी फार्म बनाने वाले आएंगे ना ट्यूटोरियल, उसके अंदर मेनली यही यूज़ होने वाला है। और भाई इसको लेंगे कैसे, तो गाइस इसके लिए मेरे हिसाब से आपको सिल्क टच यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपको ये मिलेगा। और गाइस आप इसे हो से सबसे फास्ट तरीके से आप इसे तोड़ सकते हो। तो गाइस अगर अपन बात करें अपने नए सेंसर मतलब स्कल स्ट्रीकर की, तो भाई ये भी उसके जैसे, ये पुराने वाले के जैसे, लेकिन जैसे अपन इसकी रेंज के अंदर आएंगे भाई ये वार्डन मतलब जो अपना नया मॉब आया उसको सिग्नल भेज लेगा कि भाई इधर कोई ना कोई आया है और अभी वार्डन को आना पड़ेगा उसे मारने के लिए। तो भाई आपको पता नहीं होगा लेकिन भाई जैसे ही वार्डन आता है वो आने से पहले अपन को एक इफेक्ट दे देता है जिसे कहते हैं डार्कनेस। तो भाई डार्कनेस इफेक्ट में क्या होता है, मतलब डार्कनेस नाम से आपको पता चल गया होगा, सब आसपास वाली सारी चीज़ें होती है वो ब्लैक हो जाती है और आपको कुछ भी नहीं दिखता। तो भाई जैसे अभी हम देखते हैं, तो भाई लूट तो देखो आपको एक दो बुक मिल जाएगी। और भाई अभी सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि ये देखो गाइस डार्कनेस का इफेक्ट अपन को आ गया है। और भाई देखो मतलब अभी लग रहा है कि वो स्पॉन होएगा, तो सबसे पहले तो अपन इसको तोड़ देते जैसे कि उसको और सिग्नल ना पहुँचे वार्डन को। और गाइस वार्डन मेरे हिसाब से भी स्पॉन होने वाला, भाई आवाज़ आ रही थी। और गाइस लेफ्ट हैंड साइड में वार्डन स्पॉन हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। और भाई ओ भाई मतलब ये ज़मीन से बाहर निकला और गाइस अपन को देखो डार्कनेस का इफेक्ट भी मिला हुआ है। तो भाई अभी अपन को भागना पड़ेगा नहीं तो गाइस सामान में वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा बुरा हैंड आ जाएगा। तो भाई अरे भाई मतलब जगह देखो से सेंसर गाइस वार्डन आ रहा है। तो गाइस आप सभी को पता नहीं होगा लेकिन वार्डन जो होता है वो अंधा होता है, इसका मतलब गाइस आप मतलब वो सिर्फ अपन के जो आवाज़ और वाइब्रेशन होते हैं उससे अपन के पास आता है। जैसे गाइस अभी मैंने स्नोबॉल उधर फेंकी तो वार्डन डिस्ट्रैक्ट होकर उधर चला गया, लेकिन गाइस अगर एक बार सेंसर उसे सिग्नल भेज ले कि भाई अपन इधर ही है तो भाई अपन को वो पीछे मारने जरूर आएगा गाइस, उसके बाद में अपना जो मरना है वो जरूरी है। तो गाइस आखिरकार माइनक्राफ्ट वालों ने बोट विद चेस्ट का जो फीचर है वो अपन को अवेलेबल करा दिया भाई। मतलब अभी अपन के जो ओशियन वगैरह में घूमते तो भाई जो अपन के वो इन्वेंट्री फुल होने वाली चांस है वो भी लगभग खत्म हो गए। और भाई मेरे साथ ये फीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है जो माइनक्राफ्ट ने ऐड किया है। तो गाइस माइनक्राफ्ट ने एक नई बायो भी ऐड कर ली और भाई जिसका नाम है मैंग्रोव बायो। तो भाई मैं वो भी आपको भी एक बार बता देता हूँ और भाई मैंग्रोव बायो में क्या क्या आने वाला है चलिए देखते हैं। तो गाइस ये हमारी मैनग्रोव स्वैम्प बायो, मतलब लगभग भाई जो अपनी स्वैम्प बायो उसके जैसे ही होने वाली है, मतलब कोई भी ज़्यादा कुछ बड़ा चेंज होने वाला नहीं है, सेम का सेम थीम है। बस गाइस जो पेड़ है उनका थोड़ा सा डिज़ाइन बदल दिया गया और जो वाटर का कलर उसमें भी थोड़ा बड़ा चेंज है। तो भाई मतलब जो अपने नया स्वैम्प बायो तो उसके अंदर मतलब ये मैंग्रोव बायो तो उसकी जो वुड है उसका घर भी आप देख लो भाई, मतलब रेडिश विंटेज लुक दे रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक है मेरे हिसाब से। और गाइस मुझे तो रियली मतलब पर्सनल फेवरेट लगा अभी तक। और भाई देखो अभी अपन के नया बायो आया है उसके लिए नया एनिमल भी चाहिए। तो गाइस माइनक्राफ्ट वालों ने फ्रॉग को ऐड किया और भाई मतलब फ्रॉग अभी आप देख लो कुछ ऐसा होने वाला है इनका लुक, और भाई जंप करेंगे बड़ी बड़ी। तो भाई देखो अभी फ्रॉग इन्होंने ऐड कर ही लिए है, तो भाई फ्रॉग अभी आए हैं तो उनको खाना भी खाना पड़ेगा। और भाई खाना भी क्या खाएंगे, तो अपन सबको पता है फ्रॉग इंसेक्ट को खाते हैं, तो माइनक्राफ्ट वालों ने एक इंसेक्ट भी ऐड कर लिया जिसका नाम है फायरफ्लाइज। तो भाई फ्रॉग के लिए अपन को कुछ भी खाना लाने की जरूरत नहीं है गाइस, ये अपने आप इन फायरफ्लाइज मतलब ये जो जुगनू होते हैं इनको खाते रहेंगे गाइस। अभी आप देख ही लो देखो ये कैसे खा रहे हैं। तो भाई अभी देखो अपन के फ्रॉग आ गए, तो फ्रॉग के बाद में अभी टैडपोल्स भी आएंगे, टैडपोल्स मतलब उनके जो बच्चे हैं वो भी आएंगे। और भाई इनका थोड़ा सा अलग सीन होता है माइनक्राफ्ट गेम के अंदर भाई, मतलब अभी आप इनको जैसे आइस बायो मतलब स्नो बायो के अंदर लेके जाओगे उनके डेड बॉल्स को, तो गाइस उनका कलर होगा जब वो फ्लॉग बनेंगे तो उनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो जैसे अभी मैंने डेजर्ट बायो के अंदर लेके जाता हूँ
तो गाइस अभी मैं इसको डेजर्ट बायो के अंदर लेके जाता हूँ, तो भाई देखो अभी मैं डेजर्ट बायो के अंदर इनके फ्रॉक्स के जो टैडपोल्स उनको लाया, तो जो इनका कलर है वो लाइट हो गया, तो भाई मेरे हिसाब से इनका कलर अलग अलग होगा, और भाई मतलब ये इनका कुछ थीम होगा। तो गाइस माइनक्राफ्ट वालों ने एक नया ब्लॉक मतलब ब्लॉक भी ऐड कर लिया और जिसका नाम है मड ब्लॉक। तो भाई देखो इसके जो बनाने की रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो भाई देखो आप अपन को क्या करना है, अपन नॉर्मल डर्ट लेना है और उसके ऊपर अपन को क्या करना है, सिर्फ पानी गिरा देना, मतलब एक वाटर बोतल गिरा देनी है, और गाइस वो मड के अंदर चेंज हो जाएगा। और जैसे अपन को एक मड को क्ले में चेंज करना है तो उसको आप डीप स्टोन के ऊपर रख लो, और गाइस जैसे ही इसका सारा पानी निकलेगा ये क्ले के अंदर चेंज हो जाएगा। तो भाई मतलब इनका कुछ अलग ही थीम बना दिया। और भाई ये देखो तो जो अपन ने अभी मैंने बोला मड ब्लॉक, तो भाई ये मड ब्लॉक से जो ब्रिक्स बनेगी वो भाई कुछ ऐसे ही होगी दिखने के अंदर। और भाई मतलब ये भी एक अलग लुक ले रहा है, क्योंकि ऐसी अब तक कोई भी ब्रिक्स या फिर कोई भी ऐसा ब्लॉक अब तक आया नहीं है। तो भाई ये थे देखो कुछ छोटे बड़े चेंजेस। और भाई अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली ये जो अपडेट है वो कब आने वाला है। तो भाई अकॉर्डिंग टू माइनक्राफ्ट की माइनक्राफ्ट वालों ने जो अभी इंटरव्यू में कहा है, तो गाइस वो समर के अंदर आएगा। अभी भाई समर मतलब 2021 की तो समर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं 2022 की समर की बात कर रहा हूँ। तो भाई देखो अब तक तो भाई बहुत टाइम है, क्योंकि अब तक तो 1.18 ही आना है। तो भाई देखो इस वीडियो में तो इतने तो जितने भी छोटे बड़े अपडेट्स थे वो मैंने सारे क्लियर कर लिए हैं। तो